खबरों में है दम सबसे पहले हम, क्योंकि हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। रिहायशी इलाकों में घूम रहा बाघ, बाघ के दर्शन के लिए उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम। मंडला विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क बारिश के दिनों में बंद है, वहीं कोर जोन पर्यटकों के लिए खोलकर रख दिए गए हैं। आज दोपहर टाटरी और कामता के बीच बंजारी माता के पास बाघ के दीदार हुए। यह बात बिजली की तरह ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई और ग्रामीण बंजारी माता के पास जमावड़ा लगा लिए। वहीं टाइगर के फुटप्रिंट देखे गए हैं। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग और पुलिस विभाग मिलकर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि बाघ को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। तो ये खड़ा होते। अच्छा, कहां देखे थे? तो नाला किनारे। कौन से नाला किनारे? ये पत्थर वाला बंजारी माई के किनारे। तो टाइगर था, पेंथर था? टाइगर पूरा खड़ा था। बंजारी माई के पीछे दिख रहा है, तो हम लोग तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए तो उसका देखे तो पूरे फुटमार्क ताजे एकदम बिल्कुल 5 मिनट पहले के पूरे नजर आए। और ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ इसका रात में भी काफी भ्रमण हुआ। बहुत बड़े बड़े फुटमार्क हैं इसके, और भी जानवर को एक शायद यहाँ पर शिकार भी किया है ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत आ रही है। इससे फॉरेस्ट वालों से क्या चाहते हैं आप? अभी हमने आर ओ साहब को, रेंजर साहब को सूचना दी इसमें, और उन्होंने बोला अभी तत्काल हम अपनी टीम भेज रहे हैं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए।